हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी, एक बार कमेंट करके बताइए क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस और नो? यस। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। एक बार सभी बच्चे आ जाइए, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार रुकिए, थोड़ा सा इश्यू हो गया था जिस वजह से। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, क्या सभी के पास मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गलती से कोई दूसरी वीडियो ऑन हो गई थी, आई मीन टू से कल वाला सेशन लाइव हो गया था गलती से। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि हर संडे आपका ये कॉम्बैक का टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है हर संडे। ओके, 10 AM, क्लियर है सभी को? सो चाहे आप प्लस यूजर्स हो या ना हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई इशू नहीं है। जस्ट ओपन द अनअकैडमी ऐप एंड गो टू द टेस्ट सीरीज सेक्शन, एंड वहाँ पे आपको कॉम्बैक्ट का सीरीज मिल जाएगा। एंड अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है सभी को? वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको, याद रखिए, आपसे अनलॉक कोड मांगे, अनलॉक कोड अगर वो मांगेगा तो आपको क्या यूज में लेना बच्चे? आपको अनलॉक कोड में राज एस लाइव, सॉरी, आपको अनलॉक कोड में कैपिटल लेटर में राज एस लाइव, या फिर आप RJ10 भी यूज में ले सकते हैं, कैपिटल लेटर में RJ10। क्लियर है सभी को? बैच के बारे में सभी को बता ही दिया मैंने। बैच अपना जो स्टार्ट हुआ है, अभी 10 तारीख को स्टार्ट हुआ था, SBI क्लर्क एक्सीलेटर बैच, रणविजय सेट बैच 10 मार्च से स्टार्ट हुआ, टारगेट SBI PO, टारगेट IPPC, ये सारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप प्लस यूजर्स हैं तो। क्लियर है? बढ़े आगे, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए अगर वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो। सभी के पास वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए फटाफट। यस, अच्छा इनइक्वलिटी पढ़ना आज, अच्छा इनइक्वलिटी पढ़ाना आप लोगों को। चलिए, बैच अपना 16 मार्च से स्टार्ट है, मैं आप सभी को बता दूं, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से, टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, सुबह 10 बजे से इसको कैंसिल कर देना, 10 AM से क्लास है। रेफरल कोड में आप राज एस लाइव यूज में ले सकते हो। एंड जो भी मेरी फ्री क्लासेस का टाइमिंग जानना चाहता है वो देख लीजिए अनअकैडमी पे, मैं फ्री क्लासेस मेरी जो होती है, मैं रेगुलर 1 PM क्वांट प्लस रीजनिंग, 35+35 क्वेश्चंस, SBI क्लर्क 2021 के लिए मैं मॉक टेस्ट रखता हूँ, कंप्लीट मॉक टेस्ट, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पहले ही, अगर आप न्यू यूजर्स है तो आप याद रखिएगा, अनलॉक कोड में आप कोड यूज में लीजिएगा RJ10, कैपिटल लेटर में RJ10। ओके, मेरी प्रोफाइल पे जाके आप कल की क्लास को एनरोल कर सकते हो, प्लस आज रात को 10 बजे भी क्लास है, 10 PM SBI क्लर्क 2021, इसके लिए मॉक टेस्ट। अनलॉक कोड मैंने बता ही दिया, RJ10 यूज में ले सकते हैं आप। ओके, ये सारी दोनों की दोनों फ्री क्लासेज हैं। अब एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर ये बातें सबको समझ में आ गई तो। अब आज का सेशन स्टार्ट करें, स्टार्ट करें सभी। यस, एक बार ग्रुप में मैसेज हो गया, ग्रुप में मैसेज हो गया, यस और नो? चलिए, एक मिनट, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूं। ऑल राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सो
एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले तो एक बार कल वाली चीजें मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कल क्या था, चलो इनइक्वलिटी, डायरेक्ट इनइक्वलिटी से स्टार्ट करते हैं। कई बच्चों की डिमांड थी सर इनइक्वलिटी का चैप्टर करवा देना, कौन कौन चाहता है इनइक्वलिटी एक बार जल्दी से कॉमेंट कर दो यस यस का। जो ये चाहता है कि मेरे को इनइक्वलिटी पढ़ना है सर, कैसे मैं इनइक्वलिटी फास्ट कर सकूँ विद इन 2 एंड 3 सेकेंड में, जल्दी कॉमेंट करो। जो भी बच्चा चाहता है जल्दी कॉमेंट करो, और जो ये चाहता है कि नई सब ट्रिक की कराओ तो वो भी कमेंट कर दीजिए जल्दी फटाफट। जो बच्चा चाहता है कि इनइक्वलिटी करवा दीजिए, कमेंट नहीं आ रहे आपके, यस। चलिए तो फिर ठीक है, इनइक्वलिटी करवा देते हैं आप लोगों के लिए। चलो कर देते हैं इनइक्वलिटी, स्टार्ट कर देते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इनइक्वलिटी यस, अब ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज याद रखिएगा सिंबल। सबसे हम पहले हम बात करेंगे सिंबल्स की, ओके। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर, इसको कहते हैं ग्रेटर इक्वल, और इसको कहते हैं इक्वल। ये है अपनी फैमिली वन, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये है फैमिली वन, इज दैट क्लियर। ये है अपनी फैमिली वन, क्लियर है सभी को, यस। सेकेंड चीज फैमिली वन हो गई। दूसरी चीज अब याद रखो हमेशा, ये आपके दादाजी, इसको आपको क्या मानना है, ग्रेटर को आपको हमेशा मानना है, ये आपके ग्रैंडफादर है, यस ये ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है। और इक्वल सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल आपको क्या मानना है, ये आपके फादर साहब है, और इक्वल को क्या मानना है, ये आप खुद है, मान लीजिए सन, यस ये आप खुद है। फैमिली वन के बारे में पता चल गया, फैमिली वन के बारे में पता चल गया, यस। अब बात करते हैं दूसरी फैमिली, ये है फैमिली टू, इसमें भी सेम वही, ये ग्रैंडफादर, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल फादर, और इक्वल सन, इसको कहेंगे फैमिली टू, एफ टू। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, इसको कहेंगे एफ टू, क्लियर है सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर है, यस और नो, क्या दोनों फैमिली। अब याद रखिए इन दोनों फैमिली की आपस में नहीं बनती, इन दोनों फैमिली की आपस में नहीं बनती, ये एक दूसरे इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त का मतलब ये सिंपल सी बात है कि जब भी ये दोनों आएंगे वहां पे ब्लॉकिंग कंडीशन हो जाएगी। जब भी दोनों फैमिली के अलग अलग मेंबर आ गए तो ना कोई इधर जा सकता है ना कोई इधर जा सकता है, ब्लॉकिंग कंडीशन आ गई, बात समझ में आ गई, उसको कहते हैं ब्लॉकिंग कंडीशन। क्लियर है यहां तक, यहां तक सभी को क्लियर है, यस और नो, बात समझ में आ गई, यस। अब याद रखिए बात करते हैं गेट की, सर गेट क्या होता है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एंट्री जो मिलेगी आपको जिस तरफ फेस खुला हुआ है ना, जिस तरफ फेस खुला हुआ है, और इनको प्रायोरिटी कैसे देंगे वो भी देख लीजिए पहले। हमेशा याद रखो प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले दादाजी, उसके बाद में पापा जी, और उसके बाद में खुद। सिमिलरली दादाजी पापा जी और खुद, क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर है सभी को, यस ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो, पक्का श्योर। चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो बात हो गई सर इनकी कि हाँ प्रायोरिटी की, तो हम समझ जाएंगे प्रायोरिटी कैसे, वो अभी मैं बता दूंगा कि कैसे आपको प्रायोरिटी और कैसे क्या करना है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा इस तरफ, मैंने आप लोगों को कहा, ध्यान देना इधर, मैंने आप लोगों को कहा, ध्यान देना, मैंने आप लोगों का एंट्री कहाँ से मिलेगी, जाने का रास्ता कहाँ से है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जाने का रास्ता जो होगा ना वो आपका ये होगा, जिस तरफ फेस खुला होगा आप वहां से एंट्री ले सकते हैं, इसको कहते हैं एंट्री गेट। जिस तरफ फेस खुला है उसको कहते हैं एंट्री गेट, बराबर में आप दोनों तरफ से आ और जा सकते हैं, कहीं से भी चला जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर में फेस खुला हुआ है। कभी भी ऐसे कोशिश मत करना कि पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश मत करना, ये गेट है तो पीछे के रास्ते से, इसको कहते हैं क्लोज गेट, तो ये नहीं जा सकते आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ओपन गेट है ना तो आप जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लीजिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया,
मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर एंड इक्वल सी, फिर मैंने आपको इस कंक्लूजन दिया। पहला पहला क्या दिया आप लोगों को ध्यान देना, मैंने कहा ए जो है वो बड़ा है सी से। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात याद रख लो, बस इतनी बात याद रख लो, चाहे कंक्लूजन हो चाहे स्टेटमेंट हो, जहां पे फेस खुला हुआ है उस मेंबर के पास जाओ। ए की तरफ फेस खुला हुआ है तो स्टेटमेंट में भी ए के पास ही जाओ। बात समझ में आ गई, ए से सी तक जाना आपको। क्या आप ए से सी तक जा पा रहे हैं? यस सर, ए से मैं बी तक गया, ए से मैं बी के पास गया, बी मैंने बी को कहा बी बी मुझे सी तक पहुंचा दे, बी ने मुझे सी तक पहुंचा दिया, बिल्कुल मुझे सी तक पहुंचा दिया। पहुंचा दिया क्या, क्या मुझे पहुंचा दिया, यस और नो? बिल्कुल सर फॉलो करेगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर फॉलो करेगा। अगर आपको कहीं परेशानी नहीं आई, आप ए से सी तक आराम से पहुंच गए तो कोई इशू नहीं है। एक एग्जांपल और देख लो, मैंने कहा ए ग्रेटर बी लेस देन सी ग्रेटर डी, ये था। मैंने आप लोगों को कहा कि सर ए से, देखो मैंने एक स्टेट कंक्लूजन आपको कहा पहला कि ए से लेके डी तक जाना आपको। क्या ए से डी तक पहुंच सकते हो आप? ए से डी तक पहुंच सकते हो, यस और नो? बिल्कुल पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकता हूं। जरा चेक करो, ए से मैं बी तक गया, कोई रोक, किसने ने रोका मुझे? बी ने मुझे सी तक पहुंचा दिया, क्योंकि ओपन गेट था, सी तक पहुंचा दिया। सी ने मुझे डी तक पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा दिया, यस और नो? कमेंट कर दीजिए, यस और नो। जय श्री कृष्णा। क्या ए ने मुझे डी तक पहुंचा दिया? बिल्कुल पहुंचा दिया मुझे, ए से डी तक मैं आराम से जा सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगली बात, सर अगर दोनों फैमिली आ गई तो? सर अगर दोनों फैमिली आ गई तो, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, ध्यान देना, ए बड़ा है बी से और छोटा है डी और ग्रेटर देन सी। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि ए से सी तक जाना आपको, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, मैंने आपको कंक्लूजन दिया ए बड़ा है सी से। आप ए से बी तक तो जा पा रहे हो, देखो ओपन गेट है, लेकिन क्या बी से डी तक जा पा रहे हो, जिससे आप डी आपको सी तक पहुंचा देगा? क्या बी से डी जा पा रहे हो आप? क्या बी से डी जा पा रहे हो? पीछे के दरवाजे से नहीं जा सकते? क्या मेरी बात समझ में आ गई? पीछे के दरवाजे से आप नहीं जा सकते तो क्या ये कह दूं कि गलत हो गया? क्या बात समझ में आ गई, यस और नो? कि सर पीछे के दरवाजे से आप नहीं जा सकते, गलत हो गया, यस? अगर मैं एक स्टेटमेंट और दूं आपको, स्टेटमेंट दूं आप लोगों, ध्यान से समझना, ए इक्वल एंड ग्रेटर बी ग्रेटर सी, ओके ओके। अब मैंने ध्यान से समझना इसको, ए जो है बड़ा और बराबर है सी के। कंक्लूजन देखना ध्यान से, यस इसको देखना ध्यान से, कि मुझे ए से सी तक जाना है, ठीक है, क्योंकि ए की तरफ फेस खुला हुआ है। अब याद रखो आपको कंक्लूजन में क्या दे रखा है, सर कंक्लूजन में बराबर का साथ है, इस बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए, इस बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए। जरा चेक करो, क्या मैं ए से बी तक जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। क्या बराबर ने साथ छोड़ा? क्या बराबर ने मेरा साथ छोड़ा? नहीं सर, ए से बी तक गया, बराबर ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं बी तक पहुंच गया। बी से मैं जैसे सी पे जाने लगा तो बराबर ने धोखा दे दिया, और धोखा देते ही ये मेरा कंक्लूजन जो है वो अनफॉलो हो गया। बात समझ में आ गई, सर फॉलो नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? बराबर ने मुझे धोखा दे दिया, बी से सी पे जाते टाइम उसने हाथ छोड़ दिया। देखो जरा चेक करो, क्या यहाँ पे बराबर है? नहीं है ना सर, बराबर का निशान है ही नहीं इसमें, तो ये गलत हो गया। आगे बात समझ में, अगर मैं इसको ये कहता कंक्लूजन आपको कहता कि ए जो है बड़ा होना चाहिए, ए जो है बड़ा होना चाहिए किससे? सी से। गुड इवनिंग, ए जो है वो बड़ा होना चाहिए सी से। गौर कीजिएगा, ए बड़ा होना चाहिए सी से, ए ग्रेटर देन सी। क्या ए से सी तक मैं जा सकता हूँ? अब देखो याद रखो, जब भी दादाजी आएंगे ना, उनके ऊपर कोई लोड नहीं रहता, बस ये उनके ऊपर लोड किस चीज का रहता है कि बस वो रास्ते में एकदम साफ रास्ता मिलना चाहिए, उनको आराम से सी तक पहुंचना चाहिए, ए से सी तक पहुंचना है, बाकी इसमें कोई लोड नहीं है उनको कि बीच में बराबर ने साथ, बराबर आए, कुछ भी आए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर आ गया आपको तो बस ए से सी तक रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ए से सी तक मैं जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ए से मैं बी तक गया, बिल्कुल गया, किसी ने नहीं रोका। बी ने मुझे सी तक पहुंचा दिया, किसी ने नहीं रोका, फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? कॉमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जल्दी फटाफट, अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो, यस और नो? यस,
इज दैट क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस, चलिए तो आगे बढ़े। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक कुछ एग्जांपल्स और ले लो। मैंने आपको दिया स्टेटमेंट, कुछ भी मान लीजिए, ए मैंने ये दिया आपको, ध्यान देना इधर, मैंने आपको कंक्लूजन दिया ए बड़ा है सी से। बताओ मेरे को, कंक्लूजन फर्स्ट दिया मैंने ए बड़ा है सी से, फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरा मैंने दिया आप लोगों को, क्या बोल रहा है बच्चा? ओके ओके, ठीक है ठीक है, अर्चना जी, मोहित जी, ओके ठीक है ठीक है, गौर कीजिएगा। दूसरा मैंने आप लोगों को दिया, फॉलो करेगा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, राइट? चलो मैं आप लोगों को कहूं कि सी बड़ा है ए से, बताओ 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 बताओ, पहला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जल्दी बताओ, कर गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेगा? बहुत बढ़िया, पहला फॉलो करेगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे, पहले में जरा चेक करो, आपको ए से बी तक जाना है, ए से आप बी तक गए, चले गए, यस बी तक गए, कोई इशू नहीं है सर, सेकंड नॉट फॉलो, बहुत बढ़िया। फिर एक बात बताओ, क्या बी जंप कर सकता है? बिल्कुल, अपने कॉमन पे जंप कर सकता है, बी का कॉमन ये रहा, यहाँ पे जंप कर गया, यस। तो क्या बी ने सी तक पहुंचा दिया? बिल्कुल, बी सी तक पहुंच गया, बी सी तक पहुंच गया। क्या इसको कहीं पे दिक्कत आई? क्या इसको जाने में कहीं पे दिक्कत आई? ओपन गेट था, चला गया, ओपन गेट था, ये चला गया, बात समझ में आ गई? पहला फॉलो करेगा, दूसरा सी से, सी के ऊपर पेंटेगो, सी के ऊपर आप पहुंचे, क्या सी से आप कहीं भी जा सकते हो क्या? क्या सी से आप कहीं भी मूव कर सकते हो क्या? कमेंट कर दीजिए, क्या सी से आप कहीं भी मूव कर सकते हो क्या? नहीं ना, सी से आप मूव कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि सर दरवाजा बंद है, तो सी तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नो, कमेंट कर दीजिए जल्दी से फटाफट, यस। देता हूं आप लोगों के लिए इनइक्वलिटी के, गौर कीजिए इधर, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कमेंट करो पहले तो, पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जल्दी से कमेंट करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लो, ब्राइटनेस बढ़ा लो भाई, नहीं दिख रहा? अरे तो ब्राइटनेस बढ़ाओ ना, ब्राइटनेस बढ़ाओ, क्यों नहीं दिख रहा बच्चे? सॉरी, ब्राइटनेस का नाम आ गया, पिक्सल बढ़ाओ, पिक्सल बढ़ाओ, पिक्सल बढ़ाओ, क्यों नहीं दिखेगा? पिक्सल बढ़ाइए, क्यों नहीं दिखेगा? पिक्सल बढ़ाइए, क्यों नहीं दिखेगा? देखो जरा, पिक्सल बढ़ाओ, क्यों नहीं दिखेगा मेरे को ये बताओ? दिखा? नन फॉलो आंसर है, नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, फिर उसी पे आ जाओ, आ जाओ फिर उसी पे आ जाओ, आ जाओ, मैं यहीं पे करवा देता हूँ तुम लोगों को, आ जाइए आ जाइए, यहीं पे करवा देता हूँ।
यस चलो आ जाओ, अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहीं पे आ जाओ, गौर कीजिएगा। सो हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब देखो क्या आप आइदर और के केस पे चले, आइदर और के केस पे चले, इनइक्वलिटी के आइदर और के केस पे चले, यस आइदर और के केस पे चले, यस और नो। आइदर और के होते हैं दो केसेस, केस वन और केस टू, यस केस वन और केस टू, क्लियर है सभी को? चलिए अब केस वन में क्या आता है ध्यान से समझना, केस वन में क्या आता है, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। केस वन में क्या आता है, केस वन को सिंपल सी बात याद रखो, केस वन में सिंपल। अच्छा पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, आइदर और नहीं, अच्छा अभी आइदर और नहीं, ठीक है चलो चलो पहले और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो। सर क्वांट होता है ना चैनल पे, बच्चे क्वांट होता है बट आज इन बच्चों ने थोड़ी रिक्वेस्ट की है इसलिए कर रहे हैं, इन बच्चों ने रिक्वेस्ट किए तब कर रहे हैं सचिन जी, इन्होंने कहा कि सर एक इनइक्वालिटी का चैप्टर करा दो। क्लियर हो गया सचिन जी? यस, इनकी थोड़ी डिमांड थी कि सर इनइक्वालिटी का चैप्टर करा दो ताकि हम रेगुलर जो मॉक टेस्ट देते हैं दोपहर को 1 बजे उनमें हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। क्लियर है सभी को? चलो बात समझ में आ गई, यस चलो पहले कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ नहीं तो तुम लोग कहोगे। चलो गौर करना, इधर मैंने आप लोगों को कुछ भी मैंने कहा आप लोगों को कि ए ये आपको स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन मैंने दिया आपको, पहला कंक्लूजन मैंने आपको दिया कि डी बड़ा है ए से, दूसरा कंक्लूजन मैंने दिया एफ बड़ा है बी से। आंसर दो फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट, एफ बड़ा और बराबर है बी के, जल्दी से आंसर दो, फर्स्ट दोनों के आंसर दो, दोनों के आंसर दो कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, जल्दी से कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा वो बताना आप लोगों को। जल्दी आंसर नहीं आया तुम लोगों का, फर्स्ट फॉलो सेकंड राइट, किसी ने फर्स्ट बोला है बोथ फॉलो, भाई इतनी गलतियां, कोई फर्स्ट फॉलो बता रहा है फर्स्ट फॉलो, कोई सेकंड राइट बता रहा है ओनली ओनली फर्स्ट फॉलो, चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा अभी पता चल जाएगा अभी पता चल जाएगा सेकंड फॉलो किस एंगल से हो गया, मेरे को समझ नहीं आया, एक बात का जवाब दे दो मेरे को। फर्स्ट में आपको कहा गया डी से ए तक, डी से ए तक जाना, क्या आप डी से ए तक जा पा रहे हैं? यस सर, डी से बी गया और बी से ए गया, यस और नो? बिल्कुल पहला फॉलो कर रहा है, किसी ने नहीं रोका मुझे, सर डी से मैं ए गया बी गया और बी से ए गया, यस और नो? बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस। दूसरा चेक कीजिए, नीलेश जी बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार 15 मिनट 10 मिनट इनइक्वलिटी का चैप्टर करवा दीजिए उसके बाद में मैथ चलेगी, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा चेक करो, क्या बी से एफ तक आपको जाना है, क्या बी से आप कहीं मूव कर सकते हो? एक बात बताओ, बी से आप केवल ए तक जा सकते हो, ए कहीं कॉमन दिख नहीं रहा तो बात खत्म हो गई यहीं पे, लेकिन बी से आप एफ तक तो जा ही नहीं सकते क्योंकि दरवाजा बंद है। बात समझ में आ गई, यस और नो? बच्चों की डिमांड थी इसीलिए रखा गया कि 10 मिनट का चैप्टर, क्या आप बी से आप डी तक जा सकते हैं, क्या जो डी आपको एफ तक पहुंचा देगा? जिसने सेकंड आंसर दिया था अर्चना जी, किस एंगल से आपने डी आंसर दिया? सर बी ग्रेटर इक्वल एफ हो सकता है ना बच्चे, बी किस एंगल से हो सकता है मेरे को जवाब दे दो एक बार, बी किस एंगल से हो सकता है सोचो जरा, किस एंगल से हो सकता है सोचो, आप एक बात बताओ मेरे को, मुझे एफ
आप लोग क्या कर रहे हो इसको ना, गलत पढ़ रहे हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान देना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, बी बड़ा है एफ से और बराबर एफ से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सिंबल में कंफ्यूज हो रहे हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जरा चेक करो, क्या बी की तरफ कोई फेस खुला हुआ है क्या? बी से आप एफ तक जा सकते हो क्या? बी लेस देन इक्वल तो एफ हो सकता है ना बच्चे। एक बात बता दो, बी को लेस देन नहीं बोला है, बी को ग्रेटर बोला है। जरा पढ़ो, पहले पढ़ो, बी ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू एफ। जरा गौर से देखो कंक्लूजन क्या है, बी बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए एफ के। जरा चेक करो, क्या आप बी से एंट्री गेट देखो, क्या बी से आप जा सकते हो एफ तक? सर नहीं जा सकता। क्या बी से एफ तक जा सकते हो आप? क्योंकि दरवाजा बंद है, पीछे से आप नहीं जा सकते। बात समझ में आ गई मेरी? क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? क्या बात समझ में आ गई, यस और नो? क्लियर हो गई ये बात? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? कमेंट कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट और दे दूं, एक और कंक्लूजन दे दूं, ध्यान देना इधर, ध्यान ध्यान देना इधर। अगर मैं एक कंक्लूजन और दे दूं आप लोगों को, एक कंक्लूजन और दे दूं तीसरा, कि सर बी बड़ा है ए से, इज दैट क्लियर? बी बड़ा है ए से, क्या सही होगा? बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, राइट और रॉन्ग? बी बड़ा है ए से, सही होगा गलत होगा? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। बी बड़ा है ए से, सही या गलत? जल्दी 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 बोलिए, बी बड़ा है ए से, सही या गलत? बी बड़ा है ए से, यस और नो? यस, बिल्कुल सर, क्लियरली दिख रहा है, बी बड़ा है ए से, यस और नो? ये यहां पे साफ साफ दिख रहा है। बात समझ में आ गई? और क्या मैं ये कह सकता हूं, चौथा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, कि ए जो है छोटा है और बराबर है किसके, किसके बच्चे? डी के। क्या ये सही है? चौथा देखो, फोर्थ वाले का आंसर दे दो, कौन देता है सही आंसर? फोर्थ वाले का आंसर दे दो, देखते हैं कौन देता है सही आंसर। रॉन्ग 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 रॉन्ग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रोहित जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, राइट। अच्छा जी, राइट है, रॉन्ग है सर? कोई राइट बोल रहा है, कोई रॉन्ग बोल रहा है बच्चे? ये क्या क्या चल रहा है? कोई रॉन्ग बोल रहा है, कोई राइट बोल रहा है? क्या मैं ये कह दूं, क्या मैंने क्या बोला? सिंपल सा मैंने एक तरीका बताया है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। हमेशा क्या मैंने कहा, जिसकी तरफ फेस खुला हुआ है, बच्चे मेरे को फोर्थ वाले में कमेंट करके बता दो किसकी तरफ फेस खुला हुआ है। आप कहोगे डी की तरफ, तो जाके डी के ऊपर पेन टेक दो, यस, ये लो पेन टेक दिया सर। बात समझ में आ गई? और सर डी की तरफ फेस खुला हुआ है और आपको डी से ए तक जाना है और बराबर है इसके साथ, बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए, यस और नो? बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए, तो मैं डी से गया बी तक, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। मैं गया बी से ए तक, बराबर ने धोखा दे दिया और साथ छोड़ दिया, यहीं पे गलत हो गया सर, यहीं पे गलत हो गया। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? बराबर ने साथ छोड़ दिया सर, इतनी ये बात याद रख लो। कंक्लूजन में अगर आपको ग्रेटर या लेस देन के साथ इक्वल दे रखा है, तो उसका साथ जब तक दूसरे मेंबर के पास आप ना पहुंच जाओ नहीं छूटना चाहिए, इज दैट क्लियर? मैंने जैसे कहा कि डी से आपको ए तक जाना था, तो इस बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कमेंट कर दीजिए यस और नो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो? कि सर जिसकी तरफ फेस खुला हुआ है, बात समझ में आ गई, यस? चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। मैंने कहा डी जो है वो बराबर है ए के और पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट मैंने दे दिया, कंक्लूजन लीजिए। पहला मैंने कहा सी जो है, सॉरी, सी जो है सी बड़ा होना चाहिए ए से, देखते हैं कौन आंसर सर आपके अकॉर्डिंग श्लोक्स में आइदर और सम और नॉट में होगा। बच्चे आइदर और सम नॉट में होगा, बिल्कुल होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा? करवाए हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा बताओ मेरे को, क्यों नहीं होगा बताओ मेरे को? सम और सम नॉट दोनों में होगा। बस याद रखो, ऑल और नो में आइदर और नहीं होता है, ऑल और नो में आइदर और नहीं होता है श्लोक्स में। नीलेश जी,
और ऑल और सम में आइदर और नहीं होता है, ऑल और नो में आइदर और नहीं होता है, बाकी बाकी सम और सम नॉट में बनेगा। जल्दी बताओ ट्रू और रॉन्ग, फॉलो। ओके चलो दूसरा बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए। दूसरा बताओ मेरे को, दूसरा मैंने आप लोगों को कहा कि डी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, बड़ा और बराबर होना चाहिए, बड़ा और बराबर। एक मिनट रुकना, दूसरा बताओ सही है क्या, दूसरा बताइए जल्दी बताइए। नॉट फॉलो, रॉन्ग। देख लो ध्यान से एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो कहीं गलती तो ना कर रहे हो। पक्का श्योर कंफर्म हो? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला आपसे कहा गया बच्चे सी से ए की तरफ जाना, आपको सी से ए की तरफ जाना। क्यों? फेस सी की तरफ बुलाया तो सी सी के ऊपर क्या नाम है, पेन टेक दो। सी से मैं गया बी पे, यस। बी से गया मैं ए पे, क्या मैं पहुंच गया? बिल्कुल सर, रास्ता एकदम खाली था, रास्ता एकदम खाली था, किसने नहीं रोका, बिल्कुल फर्स्ट फॉलो कर गया। दूसरा सर डी से बी तक जाना आपको, क्यों? डी की तरफ फेस खुला है तो डी से बी तक जाना है, डी की तरफ पेंटे को, यस सर। डी से मैं ए तक गया, ए ने मुझे बी की तरफ नहीं जाने दिया, क्यों? क्योंकि सर दूसरी फैमिली का मेंबर मिल गया मुझे, चेक करो क्या दूसरी फैमिली का मेंबर मिल गया, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। तभी ये गलत हो गया, मेरे को पहुंचने ही नहीं दिया उसने, मेरे को पहुंचने ही नहीं दिया। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस और नो। तो आज तुम लोगों का याद रखना सिंपल सी बात, आइदर और का जो केस है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे इसका आइदर और का, सॉरी इनइक्वालिटी का आइदर और का कल करेंगे केस। ओके आइदर और का केस कल करेंगे। आज तुम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस उठा लेना, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। बात समझ में आ गई? 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, क्लियर है सभी को? यस और नो, सभी बच्चों को 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यस। चलिए तो सेशन की समाप्ति करेंगे आज। ओके अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को। अच्छा एक बात और, कल अपनी क्लास जो होगी वो 10 बजे होगी, याद रखिएगा 10 PM, 10 PM सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। किस चीज की क्लास है ध्यान दीजिएगा, RRB PO टॉपर के साथ। RRB टॉपर, टॉपर तो नहीं कहेंगे अभी, टॉपर तो नहीं कहेंगे, टॉपर का तो अभी पता नहीं चला। RRB PO क्लियर किया हुआ स्टूडेंट है, RRB PO स्टूडेंट है अपना, कल ध्यान से देखिए RRB PO स्टूडेंट जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया है, यस। कल लाइव सेशन होगा उनके साथ, लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन यूट्यूब पर लाइव। तुम लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, तुम लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स पूछ लेना, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, जो भी मन में डाउट्स है ना, जो भी मन में डाउट है, उस बच्चे ने, अपनी क्लास का बच्चा है, उसने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, उसने इस बार RRB क्लर्क किया है, RRB PO, SBI, SBI PO, जितने भी एग्जाम है सारे के सारे एग्जाम क्लियर किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी रात को 10 बजे, याद रखिएगा कल आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके आपके दिन भी आएंगे बच्चे, आपके दिन भी आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, क्लियर है सभी को? कल 10 बजे याद रखिएगा, याद रखिएगा। जो भी बच्चा, अब दूसरी चीज, जो भी बच्चा फ्री क्लासेज अटेंड करना चाहता है अनअकैडमी पे, फ्री क्लासेज, तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर में RJ10 यूज में ले लीजिएगा, RJ10 अनलॉक कोड, अनलॉक कोड। ओके अनलॉक कोड में RJ10, क्लियर है? और हो सकता है कल आपका ये जो सेशन है, जो मैं टॉपर्स के साथ सेशन बता रहा हूँ लाइव, वो आपका हो सकता है अनअकेडमी पे भी हो सकता है। तो याद रखिएगा अनलॉक कोड RJ10 यूज करके आप मेरी प्रोफाइल पे जाके आप अपने फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल पे अनअकैडमी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बाकी आप नाम भी सर्च करके आ सकते हैं, राजकुमार सैनी, वहाँ से भी आप आ सकते हैं राजकुमार सैनी सर्च करके। ओके चलिए तो आज के सेशन को
कंप्लीट करेंगे यहीं पे। ओके सो नाउ बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।